भारतवर्ष के मानचित्र पर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर को देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूर्वांचल दिखाई पड़ेगा। इसी पूर्वांचल में मौजूद है कैमूर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। कैमूर घाटी में दोस्तों आपको बहुत सारे ऊंचे बड़े नदी, झरने, तालाब, पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिल जाएंगी। तो हम मौजूद हैं इस समय कैमूर घाटी में, जहाँ से आपको दिखाएंगे कैमूर की सुंदर वादियाँ, जिन्हें देख करके आप आह्लादित हो जाएंगे, आपके मन प्रफुल्लित होंगे। तो आइए अपने इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कैमूर की सुंदर सुंदर वादियाँ, यहाँ के नदियाँ, झरने, तालाब, बांध, डैम, जिसे देख करके आप वाकई में कहेंगे कि यहाँ पे आना हमारा सार्थक हुआ है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी पर्वत श्रृंखला में से एक जो है कि विद्यमान है, वो बांध है जिसका नाम है जगदवा डैम। और ये जगदवा डैम दोस्तों आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही मिलता है। और यहाँ पे जगदवा डैम के पास में बहुत सारे जो कि प्राकृतिक नज़ारे हैं जो आपको विस्मृत करेंगे, जो आपको अंदर से आह्लादित करेंगे कि यहाँ पे आप बार बार आएँ और इस जगह पे जो है कि आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएँ। तो यहीं पे दोस्तों बहुत सारे जगह हैं, जैसे हर्ट हिल नामक एक जगह है और बाकी छोटी बड़ी ऊँचे जो कि पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ पे आप आकर के अपने समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों खासकर छुट्टियों के मौसम में अगर बताएं तो आप अपने दोस्त, मित्र, यार, परिवार के सगे संबंधी आदि लोगों के साथ यहाँ पे आप समय बिताने के लिए आ सकते हैं। और काफ़ी ये सुंदर दृश्य है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। अगर बता दें तो हमको लगता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, यहाँ पर आप 2000 से 2200 फीट ऊँची ऊँची पहाड़े यहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से व्यू आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फोटो सेशन के लिए, अपना फोटोग्राफी करने के लिए जो शौकीन होते हैं फोटोग्राफी का, वे भी यहाँ पे आते हैं। और जगदवा डैम के आसपास के जो नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे वो काफ़ी ही जो कि खूबसूरत होते हैं। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच जगदवा डैम के आसपास के ये सुंदर नज़ारे काफ़ी ललनटाप लगते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इस डैम में नहाने के लिए। तो ये डैम काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है। अगर बात करें जगदवा डैम का जो ये अपना विस्तृत क्षेत्र है, जो एरिया है, ये कितनी एरिया में फैला हुआ है, अगर इसकी जानकारी अगर हम आपको बताएं तो ये करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। तो ये काफ़ी बृहद एरिया है दोस्तों। यहाँ पे आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला में जैसे जरगो डैम हो गया, आपका मूसाखान डैम और बहुत सारे छोटे बड़े डैम हैं आपको जो कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊँची ऊँची पहाड़ों से प्रकृति की सुंदर वादियों को देखने का अलग अपना अलग ही महत्व होता है। लखनिया दरी, राजदरी, देवदरी जो जलप्रपात है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हर्ट हिल का सामने का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रेमी जोड़े होते हैं तो यहाँ पर आने पर उनको जो कि ज़िंदगी का अपना एक अलग मुकाम तक पहुँचता है। तो काफ़ी सुंदर ये वादियाँ हैं यहाँ पर। आप जगदवा डैम के पास आप आएँ और जो कि कुछ समय व्यतीत करें। यहीं पे बगल में है मुंडेश्वरी माता का दरबार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी भव्य है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं मुंडेश्वरी माता के पास दर्शन करने के लिए। और जगदवा डैम के आसपास के सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा पहाड़ पत्थरों से भरा हुआ है और हम पत्थर के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और पहाड़ों के ऊपर जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये जगदवा डैम का आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैकिंग के लिए आपको सिक्किम, मनाली, शिमला, गंगटोक कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल कर जाते हैं। लेकिन अगर आप पूर्वांचल के हैं तो आपको अगर ट्रैकिंग पसंद है तो ज़रूर आप जगदवा डैम की ओर अपना रुख करें, क्योंकि यहाँ पे आपको
आराम से ट्रैकिंग स्पॉट मिल जाएगा जो कि 10 से 15 किलोमीटर लंबा हो सकता है। और ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप जगदावा डैम की ओर आ सकते हैं। और वाराणसी सिटी से अगर दूरी की बात करें तो जगदावा डैम की दूरी लगभग 150 से 160 किलोमीटर पड़ता है, जो कि मुंडेश्वरी माता के ठीक बगल में स्थित है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है दोस्तों यहाँ पे, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पे अपने गाय भेड़ बकरी आदि चराने के लिए भी पहाड़ों के ऊपर तक चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि बच्चों के साथ अपने जो कि यहाँ पे नहाने के लिए भी आते हैं। तो अब अच्छा प्लेस है अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति की वादियों में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप जगदावा डैम की ओर अपना रुख कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें पिकनिक का तो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट स्कूल जो है उनके जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों के, या फिर कहें 15 अगस्त 26 जनवरी या है न्यू ईयर की छुट्टियों में लोग जो है कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ जो है कि यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं और अपने साथ कुछ समय यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो बेहद अच्छा प्लेस है ये दोस्तों, जो है कि प्रकृति की सुरम्य वादियों में बसा ये जगदावा डैम अपने आप में बहुत सुंदर एवं मनोहारी है। दूर दूर तक आपको जो है कि पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे और अच्छा ये दृश्य लगता है जब मन को तसल्ली मिलता है कि वास्तव में हम आकर के यहाँ पे कोई गलती नहीं किए, तो ये और ही सुंदर और सुखद एहसास होता है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर से यहाँ पे आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर हम कहें कि यूपी की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ आपका पूर्वांचल जो कि आपका जगदावा डैम क्षेत्र है यहाँ पे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, पहाड़ की चोटियाँ हैं जो भी विद्यमान हैं अपने कैमूर की पहाड़ियों में। काफ़ी खूबसूरत ये प्लेस है जगदावा डैम का। इस डैम को काहिरा डैम भी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो जल का जो पानी है, यहाँ से जब इसका जो बांध है खुलता है तो यहाँ से जो पानी का जो निर्गमन होता है, बहुत सारे खेती किसानी जो करते हैं लोग गर्मियों के मौसम में, जो कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं। तो अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इस डैम के पानी का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में बसा है जगदावा डैम और अपने तरफ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र काफ़ी खूबसूरत एवं विस्मयकारी है। हरी भरी हरियाली, हरी भरी वादियाँ अपने आप मन को आकर्षित करते हैं। चारों ओर खुली वादियाँ अत्यंत शोभायमान होते हैं। अगर आप जगदावा डैम में यानी कि कैमूर की पहाड़ियों में अगर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो कौन सा बेहतर मौसम होगा वहां जाने के लिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप कैमूर की पहाड़ियों में कुछ समय बिताना चाहते हैं और जगदावा डैम यानी कि काहिरा डैम की तरफ अपना छुट्टियों का समय बिताना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर जो मौसम होता है वो होता है मानसून का। मानसून के समय में आप वहाँ पर जा सकते हैं और अच्छा खासा बेहतर जो कि छुट्टी आप एक्सपेंड कर सकते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और जो मानसून का मौसम होता है आपका जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक रहता है, तो काफ़ी समय है यहाँ पे आपको व्यतीत करने के लिए, 4 महीने पूरे मिलते हैं। और जगदावा डैम का जो कि पूरा नज़ारा आप अगर देखना चाहें तो आपको एक दिन का, अगर 24 घंटे का अगर आप समय लेकर के यहाँ पे आते हैं तो एक दिन आने और एक दिन जाने में और पूरा एक दिन यहाँ पे स्टे करने के लिए आप रुकें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि रुकने के लिए आपको यहाँ पे दूर ही होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि रुकने का यहाँ पे कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। तो आप यहाँ पे दिन का ही ट्रैकिंग का प्लानिंग करिए, आपको ट्रैकिंग के लिए या फिर घूमने के लिए दिन के जो 8 घंटे मिलते हैं वही सफिशियंट हैं, उतने में आप अपना प्लानिंग कर लीजिए।